जय श्री राम मित्रों, आप सभी दर्शकों का एवं श्रोताओं का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत व सबका अभिनंदन है। प्रस्तुत है आप सबके लिए एक बहुत ही रहस्यमय वीडियो। यह कथा मनुष्य के आयु के ऊपर बनाई गई है। क्या है कोई ऐसा जो मनुष्य के आयु को बढ़ा सकता है? दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए केवल मज़ेदार दिलचस्प कहानियाँ ही सुनाऊँगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी कहानियों का आनंद लेते रहें। दोस्तों, परमात्मा हमें जितनी आयु देता है उसको कोई घटा सकता है या बढ़ा सकता है? मित्रों, इस बारे में कई कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। यह कथा गरुड़ पुराण में है कि आयु को कैसे घटा या बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो किसी की आयु को घटा या बढ़ा सकता है, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। कई प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि आयु को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन या कोई योगेश्वर होगा जो योग करता होगा वही ऐसा कुछ कार्य कर सकता है, लेकिन ये बहुत कम ही लोग होते हैं। अपने आयु से कुछ दिन ज्यादा इस धरती पर वही लोग रह सकते हैं जो योगेश्वर हैं। वे अपने योग विद्या से इस दुनिया के रहस्य को जान लेते हैं। हर व्यक्ति योगेश्वर नहीं बन सकता है और ना ही अपनी आयु को बढ़ा या घटा सकता है। आइए कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक परिवार था, उस परिवार में लगभग 100 व्यक्ति थे। वह परिवार 100 व्यक्तियों से भरा हुआ एवं संपन्न परिवार था। एक दिन की बात है, उस परिवार का एक लड़का अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आ रहा था और रास्ते में उसे एक कुएं जैसी बावड़ी मिली। बावड़ी उसे कहते हैं जो कुआं के समान और बहुत बड़ा होता है। उसमें पानी पीने के लिए कुएं के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी होती हैं। वह लड़का बहुत प्यासा था। उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, आप इस कुएं के पास बैठो, मैं इस बावड़ी में पानी पीकर आता हूँ। जब वह लड़का पानी पीने गया तो एक यक्ष उस स्त्री पर आसक्त हो गया और वह यक्ष उस स्त्री के साथ साथ चलने लगा। इस बात की जानकारी उस लड़के को नहीं थी। जब वह लड़का अपने घर पहुँचा तो यक्ष भी उन्हीं के साथ घर के अंदर प्रवेश कर गया। धीरे धीरे समय निकलता गया और उस यक्ष ने एक युक्ति सोची कि मैं इन सभी परिवार को खत्म कर दूँ। और इस तरह उस यक्ष ने प्रतिदिन एक एक परिवार को मारना शुरू कर दिया और फिर उसने उन समस्त व्यक्तियों को समाप्त कर दिया। 100 आदमियों का भरा हुआ एक परिवार, संपन्न परिवार, जिसको उस यक्ष ने समाप्त कर दिया। उस परिवार में केवल एक स्त्री शेष बची जो गर्भवती थी और उस डर के कारण वह स्त्री अपने पीहर को अर्थात अपने माँ बाप के घर चली गई। श्रोताओं, वह स्त्री अपने मायके में आराम से रहने लगी और कुछ महीने बीतने के बाद उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जो बड़ा तेजस्वी था। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो वह उसके आयु के बच्चों के साथ खेलने लगा। मित्रों, आप तो जानते हैं कि जो बच्चा अपने मामा के घर में पलता है वह बहुत उत्पाती और शरारती होता है। उसी प्रकार वह लड़का अपने मामा के घर में उपद्रव करने लगा और उन साथ के खेलने वाले बच्चों को मारने पीटने शुरू कर दिया। एक दिन उस लड़के ने अपने मामा के लड़के को खूब पीटा। जब यह बात उस लड़के के मामी को पता चला तो वह बोली, यह मामा के घर में रहता है, ज़्यादा लाड़ प्यार ने इसे बर्बाद कर दिया है, इसीलिए यह इतना उत्पात मचाता है और कोई काम धाम है नहीं, मामाओं के टुकड़ों पर पलता है और इस तरह उत्पात मचाता है। यह बात उस लड़के ने सुनी तो उसके दिल में जाकर उस बात को चुभ गई और वह यह समझ गया कि यह मेरा घर नहीं है। वह लड़का उस समय 10 या 12 साल का रहा होगा। वह अपनी मामी के बात को सुनकर बहुत दुखी हुआ और अपने माँ के पास चला गया तो अपनी माँ से पूछने लगा कि हमें सत्य बताइए माताजी कि हमारा घर कहाँ है और हम कहाँ के रहने वाले हैं और हम अपने मामाओं के घर में किस कारण रहते हैं। तब उसकी माता ने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसका इकलौता लड़का ही था। उसे डर था कि मैंने अगर बता दिया तो यह अपने घर चला जाएगा और इसे भी वह यक्ष मार डालेगा, क्योंकि उसने 100 व्यक्तियों को तो मार ही डाला है। श्रोताओं, वह लड़का अपनी माता से जिद करने लगा। उसने अपनी माता से कहा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा वास्तविक परिवार कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, मेरा गांव कहाँ है, मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे दादी सब लोग कहाँ हैं। जब उसकी माता ने देखा कि अब यह नहीं मानेगा, तब उसकी उम्र लगभग 16 साल की हो गई थी। तब उन्होंने अपने जीवन में घटी संपूर्ण घटना को अपने बेटे से बता दिया कि एक संपन्न परिवार को एक यक्ष ने कैसे नष्ट कर डाला है और जो हमारा पैतृक मकान है उस मकान में वह यक्ष आज भी निवास करता है। उसने कहा, हे पुत्र,
वह यक्ष आज भी उसी घर में रहता है, अतः तुम वहाँ मत जाना। लेकिन वह लड़का नहीं माना और अपनी माता और अपने मामाओं से बोला कि मैं अपने पैतृक गांव में ही रहूँगा, और वहाँ से अपने गांव को चल दिया। और अपने गांव में पहुँचकर उसने गांव के लोगों से मकान पूछा तो सभी लोगों ने बताया, बेटा तुम्हारा मकान ये है, लेकिन उस मकान में एक यक्ष रहता है, वहाँ तो मत जाना, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। लड़का बहुत जिद्दी था, वह नहीं माना और मकान में प्रवेश कर गया। श्रोताओं, जब लड़का मकान में पहुंचा तो वहां काफ़ी दिन से कोई रहता नहीं था, जिसकी वजह से उस मकान में खड़हार जैसा बन गया था। उस लड़के ने एक कमरे को साफ कर लिया। जब यक्ष घूम टहल कर रात के समय वापस आया तो उसने लड़के को देखा तो वह सोचने लगा कि मेरे रहते किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे निवास स्थान में रह रहा है। यक्ष ने उस लड़के से पूछा कि हे लड़के, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? उस लड़के ने कहा, हे बाबा, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, अतः मैं आपके साथ रहने आया हूँ, मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूँगा। यक्ष बोला, मेरी सेवा करोगे? लड़का ने कहा, हाँ मैं आपकी सेवा करूँगा गुरुदेव। फिर वह लड़का यक्ष की सेवा भाव में लग गया और यक्ष की सेवा करने लगा। फिर वह लड़का यक्ष को प्रसन्न करने की चेष्टाएँ भी करने लगा। बहुत समय बीत गया, वह लड़का वहीं रहने लगा। एक दिन यक्ष से उस लड़के ने पूछा, हे देव, आप दिन में कहाँ जाते हैं? दिन में यक्ष वहाँ नहीं रहते थे, केवल रात्रि में वह उस महल में निवास करते थे। लड़के के प्रश्न पर यक्ष बोला, हे पुत्र, मैं यक्ष हूँ और सर्वत्र विचरण कर सकता हूँ, मैं कहीं भी मन की गति से जा और आ सकता हूँ। तब लड़का बोला, हे देव, मैं जानना चाहता हूँ कि आप दिन में कहाँ जाते हैं, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, मैं अकेला रहकर यहाँ पर ऊब जाता हूँ, मेरा मन विचलित होने लगता है, कृपा कर बताने की कष्ट करें। लड़के की बात सुनकर यक्ष बोला, हे पुत्र, मैं देवलोक को जाता हूँ। तब लड़का बोला, हे देव, वहाँ आपको कौन कौन मिलता है? यक्ष बोला कि वहाँ सभी देवताओं की सभा लगती है और वहाँ यक्षों का आदर पूर्वक बुलाया जाता है और मैं उन सभाओं में जाता हूँ। तब वह लड़का बोला, हे देव, आप मेरा एक प्रश्न के जवाब लेकर आ सकते हैं? यक्ष बोला, हाँ पुत्र, मैं तुम्हारा प्रश्न अवश्य पूछूंगा, क्योंकि तुमने मेरी इतनी सेवा भक्ति की है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ तो काम कर ही सकता हूँ। लड़का बोला, आप ब्रह्मदेव से पूछना कि मेरी आयु कितनी है, मैं कितने दिन तक जीवित रह सकूँगा। यक्ष ने कहा, मैं ब्रह्मदेव से आपकी बात अवश्य पूछूंगा। श्रोताओं, वह यक्ष जब देव सभा में गया और सभा संपन्न होने के बाद उस यक्ष ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे एक सेवक ने एक प्रश्न पूछा है, अगर आप उसका जवाब दे दें तो आपकी अति महान कृपा होगी। ब्रह्मदेव ने कहा, पूछो, आपका क्या प्रश्न है? यक्ष ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे सेवक की आयु कितनी है, वह कितने वर्ष तक मृत्यु लोक में जीवित रहेगा? श्रोताओं, ब्रह्मदेव के आदेश पर वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त ने अपना पत्र खोला और खोल कर उन्होंने बताया कि उस लड़के की आयु 100 वर्ष है, वह लड़का 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। तब यक्ष को उसके प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद वह हंसी खुशी अपने महल को वापस आ गया और महल में आने पर उसने लड़के से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी आयु 100 वर्ष है। लड़के ने विचार करना शुरू कर दिया कि अब इस यक्ष को यहाँ से कैसे भगाएं। फिर वह लड़का यक्ष की सेवा में लग गया। दूसरे दिन फिर वह यक्ष से बोला, हे देव, मैं अपनी आयु से संतुष्ट नहीं हूँ, कृपा कर मेरे 100 वर्ष की आयु को या तो 2-4 मिनट घटवा दीजिए या फिर 2-4 मिनट बढ़वा दीजिए। तब यक्ष ने कहा, चलो ये अभी बात मैं ब्रह्मदेव से पूछ लूँगा। तो दोस्तों, वह यक्ष पुनः दूसरे दिन देवलोक को गया। सभा के संपन्न होने पर वह पुनः ब्रह्मदेव से बोला, हे ब्रह्मदेव, मेरे घर में जो मेरा सेवक है वह मुझसे छोटे बड़े प्रश्न किया करता है, अतः आपसे निवेदन है कि आपको मेरी यह बात माननी पड़ेगी। ब्रह्मदेव बोले, कहो यक्ष, तुम्हारा क्या प्रश्न है? यक्ष बोला, हे प्रभु, मेरे सेवक ने प्रश्न किया है कि उसकी आयु 100 वर्ष है, उस आयु से या तो 2-4 मिनट घटा दीजिए या 2-4 मिनट बढ़ा दीजिए, क्योंकि वह अपने आयु से संतुष्ट नहीं है। तब ब्रह्मदेव बोले, हे यक्षराज, जो विधाता ने लिख दिया है तो उस अंक में से हम त्रिदेवों में से किसी में शक्ति नहीं है कि उस आयु के एक पल को घटा या बढ़ा सके। तो यक्ष को ब्रह्मदेव ने स्पष्ट बता दिया कि किसी के आयु को परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह विधि के विधान के उल्टा हो जाएगा। सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके आयु को हम घटा या बढ़ा सके। राई घटे न तिल बढ़े, रहिए जीव निसंक, अर्थात न राई घटती है
और ना तिल के समान बढ़ सकती है। श्रोताओं, वह यक्ष अपने महल को वापस लौट आया और महल में आने पर उस लड़के ने यक्ष से पूछा, हे देव, मेरे प्रश्न का उत्तर आप ले आए या नहीं? तब यक्ष ने कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारा प्रश्न ब्रह्मदेव से पूछा था, प्रार्थना किया था और आपके आयु के परिवर्तन करवाने में मैंने पूरी कोशिश किया, लेकिन तुम्हारी आयु में तिल भर कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता है। ऐसा ब्रह्मदेव ने स्वयं मुझसे कहा है, हे पुत्र, आपको 100 वर्ष पूरा जीना पड़ेगा। अगर वह ऐसा करते हैं तो सृष्टि के नियम में परिवर्तन हो जाएगा। हम सब इस सृष्टि के नियम में बंधे हुए हैं। अतः हे पुत्र, मैं आपके आयु में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लड़का बोला, कोई बात नहीं देव, अगर मेरी आयु घट बढ़ नहीं सकती है तो कोई बात नहीं। दूसरे दिन वह यक्ष फिर देवलोक को चला गया। फिर लड़के ने मन में विचार किया, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश मेरी आयु को घटा नहीं सकते हैं तो यह यक्ष कौन सी बड़ी बात है, इसको तो मैं क्षण भर में भगा दूंगा। लड़के ने मन में विचार किया कि आज मैं इस यक्ष को महल से भगा कर ही दम लूंगा। फिर उस लड़के ने बहुत सारी लकड़ियां बटोर ली और फिर उस बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद उसी महल में बहुत बड़ी आग के गट्ठर लगाकर आग लगा दिया। आग धूं धूं कर खूब तेज से जल रही थी। रात में यक्ष जब महल में आया तब लड़का बोला, हे बाबा, इतने दिन आप इस महल में रहे और मेरे 100 परिवार को नष्ट कर डाला और आपने मेरी आयु के बारे में तो निरीक्षण पहले ही कर लिया है, जिसमें मुझे 100 वर्ष जीने से कोई रोक नहीं सकता है। अतः मेरा बाल भी बाका आप नहीं कर सकते हो। आपने मेरे परिवार को मारा क्योंकि उनका मरना आपके हाथों से लिखा था। अतः आप मेरा मकान इसी समय खाली कर दें, मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। फिर यक्ष ने क्रोध में आकर उस लड़के को ललकारा। फिर लड़के के हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। लड़का उसी जलती हुई लकड़ी को लेकर फेंक फेंक कर यक्ष को मारने लगा और यक्ष की शरीर में कई जगह आग लग गई। यक्ष वहां से चिंघार मारता हुआ भाग गया और उसने उस महल को वहीं के बाद छोड़ दिया। तो श्रोताओं, इस प्रकार उस लड़के ने अपनी बुद्धिमता से उस यक्ष को वहां से भगा दिया और अपने महल में अपनी माता को ले आया और फिर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो श्रोताओं, इस तरह जब रावण को भगवान श्री राम मार रहे थे तो उस समय देवताओं ने भी उसकी मृत्यु निश्चित कर दी थी, क्योंकि रावण को उसी दिन मरना था, उसी समय मरना था जब मातले ने बताया कि हे प्रभु, देवताओं ने रावण को मारने का नियम निश्चित कर दिया है, आपको ब्रह्मास्त्र चलाकर इसके सिर के टुकड़े करने हैं और फिर इसको मार डालना है। तो दोस्तों, किसी के उम्र को कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता है, जितना विधाता ने लिख दिया उतना जीवन आपको जीना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं और कहानियों को मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। दोस्तों, अब लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।